સુરતના ઉધના વિસ્તારમાં આવેલ શક્તિનગરમાં થઈ રહી છે રેલવે ટિકિટની કાળાબજારી, જાણીએ કોના ઉપર કોણે કર્યા આક્ષેપ. क्या कहाँ रहते हो आप और क्या हुआ? मेरा नाम राजू भाई है, मैं पांडेसरा में रहता है, पांडेसरा बिस्तरा में. और मेरे को टिकट का ज़रूरत था, वो मेरा एक दोस्त फ़ोन किया था, तो ये जगह पे टिकट मिल रहा है, तुम उधर जाओ, टिकट तुमको मिलेगा. तो मैं शक्तिनगर पे गया और शक्तिनगर से टिकट लाया मैंने. खुर्दा का टिकट है, उड़ीसा का खुर्दा का टिकट है. टिकट लाया 600-600-1200 रुपया देके दो टिकट लाया मैंने. और अभी जो फ्री मिल रहा है, लेकिन वो लोग क्या है पैसा लेके ले रहे हैं, लेकिन उसका कुछ कार्रवाई होगा है कि नहीं गुजरात में और हमारा सूरत में. हमारा पुलिस कमिश्नर जो है और हमारा जो बड़ा नेता लोग है, हमारे लिए जो गरीब आदमी हम लोग से जो लूट रहे हैं, उसके लिए कुछ कार्रवाई होगा है कि नहीं? और अगर होगा तो हमारा जैसा गरीब लोग के लिए बहुत 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 खुश होगा. हाँ जी राजू भाई, ये चीज़ की आपको जानकारी कैसे मिली? आपने इसको किसी को कंप्लेंट किया? और ये ट्रेन कब जाने वाली है? ये मेरा एक दोस्त था, वो पहले टिकट लेके आया और मेरा पास फ़ोन किया. हमारा क्या है, हमारा पहचान में एक डिलीवरी केस था, उनका गाँव जाने का एमरजेंसी है, उसके लिए आधी रात में भी खाना खाने लेके जा रहा था. वो जैसे बोला तब जाके मैंने तुरंत गया उस एरिया में, हाँ शक्तिनगर एरिया में गया, फ़ोन किया, फ़ोन करके और मैं टिकट लेके आया. किससे आप ये टिकट लाए? वो उड़ीसा वाला ही है, उसका नाम दीपक करके है. कहाँ रहता है वो? वो शक्तिनगर पे रहता है. आपने ये बात को पुलिस को जानकारी दी? नहीं, अभी तो मैंने आधी रात में गया, वो दोस्त ने मेरे को फ़ोन किया तो मैंने टिकट लाने गया. अभी तो पुलिस वाले को कैसे जानकारी दूंगा? आप क्या चाहते हो? मैं चाहता हूँ उसका कुछ कार्रवाई होगा तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आजकल तो फ्री टिकट मिल ही रहा है. जो पैसा लेके जो सोच रहे हैं गरीब आदमी को, उसके लिए कुछ कार्रवाई होगा तो अच्छा है. जी राजू भाई, आप बता रहे हो इसका आपके पास कोई एविडेंस है? एविडेंस मतलब है, हमारा जो टिकट दिया है और जो हम लोग कैमरा किया है, उसका एविडेंस है और कुछ नहीं.